आज हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का 10th लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस ऑर्बिटल्स। जैसे हम एग्जांपल लें, सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में इसकी शेप, सबसे पहले हमारे जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे के सारे स्फेरिकल शेप के होते हैं एंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, हम 1s ऑर्बिटल को देखें तो उसके न्यूक्लियस के सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे जो ये प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, ठीक है, इस टाइप से। ये हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हमने कल पढ़ी थी उससे भी समझ सकते हैं। उसमें हमने ग्राफ बनाया था ना साई स्क्वायर और आर के बीच में, हमारा 1s के लिए ग्राफ कैसा आया था, इस टाइप से, है ना। इसका मतलब ये था कि न्यूक्लियस, ये क्या था हमारा, मैंने बोला था कि न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है और हमारी जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वो डिक्रीज होती जा रही है, फिर एट ए टाइम वो कम होती रहती है, बट वो कभी ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है फॉर 1s ऑर्बिटल। फिर उसके बाद डिक्रीज करती गई, यहाँ पे भी डिस्टेंस r इंक्रीज होता रहा, डिस्टेंस इंक्रीज होता रहा और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती रही, ठीक है, हम इन ग्राफ से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है न्यूक्लियस के पास, उसके बाद कम होती जाती है और फिर ज़ीरो हो जाती है। देखो 2s के लिए हमारा ग्राफ ऐसे था साई स्क्वायर और आर के बीच में। देखिए सबसे पहले डिस्टेंस के साथ वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फिर एक टाइम ऐसा आता था यहाँ पे नोड आ जाती थी, मतलब जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती थी, है ना। तो यहाँ पे हमारी नोड आ जाएगी, उसके बाद हमारी प्रोबेबिलिटी फिर से इंक्रीज हो जाती थी और फिर डिक्रीज, फिर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसी तरह से हम जब डिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा और अब प्रोबेबिलिटी हमारी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब 2s ऑर्बिटल में हमारी 1 नोड आती है, ठीक है। इस तरह की स्फेरिकल नोड को हम रेडियल नोड बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर स्फेरिकल नोड आए हमारे लिए एटम के बीच में तो उसको हम रेडियल नोड बोलते हैं, ओके। ऐसे ही 3s ऑर्बिटल के लिए भी बना लेना, यहाँ पे 3s ऑर्बिटल में एक और नोड आ जाएगी, आप ग्राफ से भी कंपेयर कर लेना कल वाले, ठीक है। फिर एक नोड आएगी, उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 नोड्स आ जाएगी फॉर 3s के लिए, ओके। रेडियल नोड कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n-1 फॉर ns ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। np ऑर्बिटल्स के लिए मैंने n-2 बताया था। अगर हमने बोलना सभी के लिए, अगर हम रेडियल नोड का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बोलें तो वो होता है n-l-1। ये हर किसी ऑर्बिटल के लिए एप्लीकेबल है, s के लिए भी, p के लिए भी और d के लिए भी, ठीक है। ये 1s के लिए भी निकाल सकते हैं, 2p के लिए भी निकाल सकते हैं, 3d के लिए भी, अगर हमने रेडियल नोड्स निकालनी हो तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब देखो, जैसे जैसे हमारे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक क्वेश्चन हमें यहाँ से एक ये पूछते हैं और दूसरा ये पूछ सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देखो 1s 2s 3s ये हमारी n की वैल्यूज हैं, ठीक है, थीके? तो हमारे एटम का साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज एंड एटम साइज इंक्रीजेज। इसका मतलब 4s का साइज सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद 3s का, फिर 2s का, फिर 1s का, ओके। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछते हैं कि ऐसे रीजन्स बताओ जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के होने की, हाई प्रोबेबिलिटी रीजन्स। जैसे हमसे पूछ लिया 3s ऑर्बिटल, बताइए ये हाई प्रोबेबिलिटी रीजन्स इन 3s ऑर्बिटल। ये हमने कल किया था रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना, उससे पता लगता है, उनके ग्राफ से पता लगता है हमें। अब वो हमें ग्राफ तो सारे याद नहीं रह सकते, तो उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ।
इसको नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो और ये, और फिर इसका बताती हूँ मैं आपको। हाई प्रोबेबिलिटी रीजंस अगर हमने फाइंड आउट करने हो तो देखो, वन रीजन होता है 1s ऑर्बिटल में, टू रीजंस होते हैं 2s ऑर्बिटल में, थ्री रीजंस होते हैं 3s ऑर्बिटल में। ऐसे हमने 2p, 3p एंड 4p, इनमें भी वन वन रीजन्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हाई होती है पाए जाने की, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होती है एक रीजन में, ठीक है। ऐसे ही 3d, 4d, 5d, 4f, 5f, 6f, ठीक है। या याद रखो, इंस्टेड ऑफ ग्राफ अगर आपको याद नहीं होते तो आप बस ये चीज़ याद रखो कि वन रीजन्स होते हैं इन सब में, टू रीजन्स होते हैं इनमें, और इनमें होते हैं थ्री जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। जैसे हमने देखा था 2p के लिए, देख लेते हैं 2p के लिए हमारा ग्राफ ऐसे आया था, ये क्या था, 4πr² साई स्क्वायर और r के बीच में, है ना, हमारा इस तरह से ग्राफ आया था। इसका मतलब ओनली वन रीजन है हमारा। आप इनको ग्राफ के साथ रिलेट करके भी देख सकते हो, ठीक है, कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। देख लेना इसको, इसको आप नोट डाउन कर लो। इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हाई प्रोबेबिलिटी रीजन इन 3s ऑर्बिटल पूछ लेंगे, 2p ऑर्बिटल पूछ लेंगे, 3p ऑर्बिटल पूछ लेंगे, इस तरह से आपको हाई प्रोबेबिलिटी रीजंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में सबसे हम 2p के लिए देख लेते हैं, L की वैल्यू क्या आएगी इसमें, देखो L की वैल्यू क्या होती थी, 0, 1, 2, 3, ये किसके लिए होती थी, S, P, D एंड F। इसका मतलब P ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। M की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी फिर, M की वैल्यूज़ -L2 प्लस L होती थी, है ना, L की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना M, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जिसने ये वीडियोस नहीं देखी हैं क्वांटम नंबर्स की, मैं आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप पूरी वीडियोस देख सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। चलिए यहाँ पे आ जाएगा -1, 0, +1, ठीक है। ये क्या डोनेट करते हैं हमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये px, py और pz, ठीक है। वैसे तो हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन बुक में नोट करके ये बात लिखी हुई है कि कन्वेंशनली हमने pz को 0 ही देना है। x एंड y को प्लस एंड माइनस कुछ भी दे सकते हैं, मतलब -1, +1 y को भी दे सकते हैं, x को भी दे सकते हैं, लेकिन 0 हमने pz को ही देना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे कन्वेंशन यूज हुई है, ओके। चलिए इसके लिए हम अब px के लिए देख लें, 2px के लिए अगर हम बोलें, ये x एक्सिस, ये y और z, इनके ऑर्बिटल्स किस तरह से होते हैं, 2px का x एक्सिस पे ओरिएंटेड होगा, x एक्सिस पे इस तरह से ओरिएंटेड होगा, ठीक है। py का y एक्सिस पे स्फेरिकल शेप के होते हैं, ये मैं आपको अभी पिक दिखाती हूँ, ये देखना स्क्रीन पे, ये एक तरह से स्फेरिकल शेप के ही होते हैं, ठीक है। इधर भी एक स्फेयर होगा, इधर भी एक स्फेयर होगा, y, x एंड z, z एक्सिस का हमारे z पर, x, ठीक है। इनकी शेप कैसी होती है, डम्बल शेप, देखो डम्बल शेप के लग रहे हैं ना, एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है ना, डम्बल शेप के लग रहे हैं ना ये। अब देखो ये कैसे कैसे बनाएंगे हम, अगर पी एक्स है तो एक्स एक्सिस पे बनाएंगे हम ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये पी एक्स के लिए। पी वाई में वाई एक्सिस पे बनाएंगे, पी जेड में जेड एक्सिस पे बनाएंगे, ये आपको पहले भी पता होगा वैसे। अब इसमें देखो हमने क्या निकालना होता है, हमें क्या आता है, एंगुलर नोड्स निकालने के लिए आ सकती हैं और रेडियल नोड्स निकालने के लिए आ सकती हैं, ठीक है। अब एंगुलर नोड्स किस पे डिपेंड करती हैं, हमारे नोडल प्लेन पे, जितने नोडल प्लेन होंगे उतनी हमारी एंगुलर नोड्स होंगी, ठीक है। अब देखो
इन डंबल पे यहाँ पे हम एक प्लेन पास आउट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है ना, यहाँ पे है ना सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, ये है ना हमारा ऑर्बिटल, यहाँ पे तो जीरो है, ठीक है। अब मैं आपको पिक में शो कर रही हूँ, देखो इसमें हमारे जो टू डंबल शेप है उनके बीच में से एक प्लेन अगर हम पास आउट करवाएं तो वहाँ पे उसको हम बोलेंगे एंगुलर प्लेन। देखिए यहाँ से हम पास आउट करवाएंगे प्लेन, इसको हम बोलते हैं एंगुलर नोडल प्लेन, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास एंगुलर नोड्स भी कितनी होंगी, वन, ओके। जो हमारे एंगुलर नोड्स हैं, अब इसमें भी हम वन ही प्लेन पास आउट करवा सकते हैं, इसमें भी हम वन प्लेन पास आउट करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको कोई रेडियल नोड दिख रही है, रेडियल नोड मैंने आपको पहले ही बताया वो स्फेरिकल शेप की होती है। यहाँ पे आपको कोई इस तरह का स्फेरिकल शेप दिख रही है जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, नहीं, क्योंकि 2px में हमारी जो रेडियल नोड्स होती हैं वो जीरो होती हैं, ठीक है। अभी हम निकाल के भी देखते हैं, इतना नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। देखिए एंगुलर नोड्स डिपेंड करती हैं एल की वैल्यूज पे, ठीक है। एल की वैल्यू हमारे लिए पी के लिए कितनी होती है, वन, तो हमारी एंगुलर नोड्स भी आ जाएंगी वन। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन माइनस एल माइनस वन। अब देखो 2p के लिए क्या आएंगी, यहाँ पे क्या आएगा, n की वैल्यू क्या है, 2 माइनस l की वैल्यू हमारे लिए 1 है। 2p के लिए देखो, p के लिए 1 होती है ना, 0 1 2 3 देखो s p, ठीक है, 1 होती है l की वैल्यू, माइनस 1 ये आ गई हमारी, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। जीरो नोड्स होती है हमारे 2p में, लेकिन 3p में हमारी कितनी नोड्स होती हैं कैलकुलेट करके देखो ज़रा, यहाँ पे आ जाएगा 3, चलिए यहीं करते हैं, 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 रेडियल नोड होती है, तो वो कैसी दिखती है वो देखते हैं हम, ठीक है। स्फेरिकल नोड होती है ना हमारी रेडियल नोड, तो आपको एंगुलर नोड तो पता लग गया कि प्लेन पास आउट करवाएंगे ना, एंगुलर नोडल प्लेन वही हमारी नोड होती है, ठीक है, नोड जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो। अब हम रेडियल नोड देखते हैं कैसी दिखती है, 2p में हमारी 0 होती है, 3p में हमारी होती है 1। अब 3px बना देती हूँ मैं, मान लो देखो ये तो हमारा हो गया 2px, 3px में हमारी एक और लोब आ जाती है यहाँ पे, वो होती है कुछ इस टाइप से, आपको मैं पिक में भी दिखा दूंगी और आपके नोट्स में भी थ्री डायमेंशनली बता रखी है कि कैसी होती है, ठीक है। ये होती है हमारी 3px की स्ट्रक्चर ऑर्बिटल की, ओके। अब देखो यहाँ पे नोडल प्लेन तो एक ही है, यहाँ से हम एक नोडल प्लेन पास आउट करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो एक स्फेरिकल नोड बन रही है इस टाइप से, ये देखिए स्फेरिकल नोड बन रही है यहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, ठीक है। तो ये है हमारी रेडियल नोड, और ये जो हमारे बीच में हम प्लेन जो पास आउट करवाएंगे ये है हमारी एंगुलर नोड, ठीक है। ये मैं आपको पिक में भी दिखा देती हूँ कि ये कैसी दिखती है हमारी रेडियल नोड, वैसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि 3px का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, ओके। और इसके बारे में एक और बात याद रखनी है आपको, ये सारे ऑर्बिटल्स px, py एंड pz ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी क्वांटम नंबर्स में,
ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डी ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। डी ऑर्बिटल में एल की वैल्यू क्या होगी, देखो 0, 1, 2, 3 एस पी डी, देखो डी हो रही है 2। एम की वैल्यू एल पे डिपेंड करती है, क्या आ जाएगी -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इनमें से किसी को भी हम ये नाम दे सकते हैं, इसमें कोई साइन कन्वेंशनल है नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ पी एक्स पी वाई पी जेड वाले में थी। चलिए अब इनके देखते हैं, ये जो हमारे डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स होते हैं, ये हमारे टू एक्सिस के बीच में होते हैं। ये एक्स वाई एक्सिस, जो हमारी एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस है, उनके बीच में लोकेटेड होंगे, ये वाई जेड के बीच में और ये जेड एक्स के। देखिए कैसे, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। इसको कैसे बनाओगे, डी एक्स वाई को देखिए इसके बिल्कुल बीचों बीच बनाना है आपको, x और y के बीच। अब ये है y और ये है x, तो इन दोनों के बीच, ठीक है, ऐसे ही x y के बीच, ठीक है। अगर हम इस साइड से देखें, यहाँ पे हम y इमेजिन कर सकते हैं, y x इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही इसमें भी इस तरह से, ओके। बस आपने ध्यान रखना है प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारी एक्स एंड वाई है, उसके बीच में 4 लोब्स होगी, ठीक है। ये आ गई हमारी डी एक्स वाई, ऐसे ही हमारी आ जाएगी डी वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब हमें किसके बीच में बनानी है लोब, वाई और जेड के, वाई और जेड के बीच में, ये देखिए, और ये है हमारा वाई और ये जेड, दूसरी आएगी यहाँ। अब यहाँ पे हम अगर माने तो ये आएगी इस टाइप से, ये आएगी इस टाइप से, इमेजिन कर लेना कि इस टाइप की हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये होगी हमारी टी वाई जेड। नेक्स्ट है हमारी एक्स जेड, सॉरी जेड एक्स, जेड एक्स के बीच में देखो वाई एक्सिस है, तो हम सीधा इसके ऊपर बना देंगे, ठीक है, हमें तो जेड एक्स के बीच में बनानी है ना, जेड एक्स के बीच में वाई एक्सिस है, तो हम इसके बीच में बनाएंगे लोब इस टाइप से, ठीक है। अब ड्रॉ करनी आ गई कि कैसे बनानी है हमें, एक्स वाई हमें एक्स वाई एक्सिस के बीच में, ऐसे ही इसके बीच में, ऐसे ही इसके बीच में, ठीक है। ये तो बात होगी हमारी इन तीन ऑर्बिटल्स की, ठीक है। ये जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल में, ये तीनों डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ओके, इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से। नेक्स्ट है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो हमारा ऑर्बिटल है हमारी एक्सिस के अलोंग बनता है, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y और ये z, एक्स स्क्वायर वाला लोब हमारा x एक्सिस के अलोंग बनेगा इस टाइप से, y स्क्वायर वाला हमारा y एक्सिस के अलोंग बनेगा इस टाइप से। इसको थोड़ा सही से बना लेना, ठीक है, ये हमारा x स्क्वायर और y, डी एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर, ओके। अब हमारे ये जो चारों हमने बनाए थे एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स एंड एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये डोनट शेप के होते हैं, ठीक है। और जो हमारा लास्ट है डी जेड स्क्वायर, ये हमारा जेड एक्सिस के अलोंग बना होगा और एक्स और वाई एक्सिस पे भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह सर्कुलर शेप में होती है एक्स और वाई एक्सिस में, और एक लोब होता है हमारा
जेड एक्सिस के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे फैली हुई है हमारी एक्स और वाई एक्सिस में एक, और एक हमारी जेड एक्सिस पे, ठीक है। ये मैं आपको पिक्चर्स इसकी दिखा देती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए इसकी पिक्चर्स। इसको बोलते हैं हम क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ओके। अब इनमें से देखो हमारे नोडल प्लेन कितने आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी फोर लोब्स हैं, एक नोडल प्लेन हमारा यहाँ से निकल सकता है, हमारी ये टू लोब्स हैं, मान लो ये वाली लोब्स हैं एक, और एक हमारी ये वाली है। एक हमारा नोडल प्लेन इनके बीच में से निकल सकता है, ठीक है, और एक इनके बीच में से निकल सकता है, एक हमारा यहाँ से और एक यहाँ से। ये भी मैं आपको पिक में दिखा देती हूँ। देखो यहाँ से टू नोडल प्लेन्स निकल सकते हैं, ठीक है, और हमारे जेड एक्सिस में जो नोडल प्लेन निकलेंगे वो भी टू होंगे, लेकिन वो कॉनिकल शेप के हैं, ध्यान से देखो वो कॉनिकल शेप के हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेडियल नोड्स की, इसमें अगर ये हमने किसके लिए बनाए, 3D के लिए, 3D में हमारी रेडियल नोड्स जीरो होती हैं। यहाँ पे आपको कोई सर्कुलर में शेप में कोई नोड दिख रही है? नहीं, हमारे प्लेनर शेप में एंगुलर, हमने प्लेन्स जो देखे एंगुलर प्लेन्स थे वो, ठीक है, जीरो। हमारे रेडियल नोड किस में होती है? 4D ऑर्बिटल से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर आपने निकाल के देखना हो वो भी निकाल के देख सकते हो। देखिए अगर हमने रेडियल कैलकुलेट करनी हो, रेडियल नोड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू क्या आएगी, देखो 0, 1, 2, 3 s p d, देखो 2 आई ना, 2 माइनस 1 ये आएगा 3, माइनस माइनस प्लस 3 0, ठीक है, हो गया 0। यहाँ पे रेडियल नोड 0। अगर हम 4D के लिए देखें तो हमारी रेडियल नोड देखो हमारी कितनी आ रही है, 4 माइनस 2 एंड 1, ये आ गया 4 माइनस 3 1, 1 रेडियल नोड आ रही है, ठीक है। एंगुलर नोड तो आपको पता लग गई सीधी, L की वैल्यू पे डिपेंड करती है, 2 ही आएंगी, ठीक है, और वो मैंने प्लेन्स आपको दिखा भी दिए। अब देखो रेडियल नोड देखनी है, अब हमने वो कैसी होती है 4D ऑर्बिटल में। 4D ऑर्बिटल ले लो कोई भी, एक्स वाई ले लेते हैं, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी जेड है, और ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो हमारा एक एक्स एक्सिस पे बनेगा और एक बनेगा हमारा वाई एक्सिस पे, इस टाइप से। ओके, इस टाइप से बनेंगे हमारे। अब ये तो किसके लिए, 3D के लिए, हमने बनानी है 4D एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए। तो उसके लिए लोब्स कैसे होती हैं, देखो उसके लिए यहाँ पे एक और लोब होगी। इसमें तो 3D में तो सिर्फ 4 लोब्स होती हैं, इसमें देखो 5, 6, 7 और 8 लोब्स, यहाँ पे 8 लोब्स होती हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक सर्कल आ रहा है जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है ना, ये है हमारी रेडियल नोड। ये नोड्स में बिल्कुल अच्छे से आपको दिखा रखी है, रेडियल नोड 4D में भी, और मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ। देखो ये हमारे बिल्कुल बीचों बीच हमारे, ये जो हमारा सर्कल दिख रहा है आपको, ये देखिए ये हमारी 3D ऑर्बिटल, और जहाँ से हमारे 4D ऑर्बिटल की लोब स्टार्ट होती है वहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले जीरो होगी, फिर इंक्रीज करने स्टार्ट करेगी, फिर ये आई हमारी यहाँ पे 1 रेडियल नोड, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, इसको बना लो अच्छे से कि आपको याद रहे। वैसे नोट्स में भी मैंने दे रखा है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा होंगे नोट्स। अब हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए बोल सकते हैं, हमें डी ऑर्बिटल्स में या किसी भी ऑर्बिटल्स में हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछी हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन
4d ऑर्बिटल। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे हम, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड कर देंगे। एंगुलर नोड तो हमारी, ये हमारी आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, एंगुलर नोड तो हमारी सीधी एल की वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो एल के लिए इसकी वैल्यू होती है 2, है ना, डी के लिए 2 होती है, लिख के देख लिया करो एस पी डी। ठीक है, 2। और रेडियल नोड का हमारा फॉर्मूला एन माइनस एल माइनस 1, एन के लिए वैल्यू हमने 4 रखनी है, माइनस एल हमारी आ गई, एल की वैल्यू आ गई हमारी 2 1। अब देखिए यहाँ पे 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 1 आ गई हमारी रेडियल नोड और एंगुलर नोड आ गई हमारी 2, इन दोनों को प्लस करके हमारी आ जाएंगी टोटल नोड इक्वल टू 3। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप ध्यान रखना, टोटल नोड्स पूछी हो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, टोटल नोड पूछी हो तो रेडियल और एंगुलर को प्लस करना है, और अगर पर्टिकुलर पूछा हो रेडियल एंड एंगुलर तो आपको बताइए कैसे निकालना है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स ऑफ एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की शेप्स तो वैसे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है हमारी 3, एम की वैल्यू आ जाएगी -3। जैसे हमारे डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, देखो कैसे, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। इनकी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती हैं। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ इनकी शेप्स, देखिए लेस अंडरस्टूड होती है, मतलब इनको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं अभी तक, और जो इनकी कैलकुलेशन होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसीलिए इसको सिलेबस में नहीं डाला जाता है। फिर भी किसी को क्यूरियोसिटी है कि वो कैसी दिखती है, वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका मैं आपको नोट्स दे दूंगी। ठीक है, आज के लिए हम इतना करते हैं, कल हम करेंगे एनर्जी लेवल्स, आवभाव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखनी देखेंगे, किस प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने लिखी थी, आवभाव प्रिंसिपल, हंस रूल, पॉली एक्सक्लूजन रूल, किस से बेसिस पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी, फिर स्टेबिलिटी देखेंगे, स्लेटर रूल आपका का एक टॉपिक बचा है, ठीक है, वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर आपको कुछ नया सीखने को कुछ भी मिला है तो आप वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।